नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है विजुअल मेकर। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए एक ऑटोकैड का ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जो आपके बहुत काम आने वाला है। आइए देखते हैं वो क्या है। देखिए दोस्तों, ऑटोकैड मेरे सामने है। दोस्तों, कभी कभी अनजाने में या गलती से हमसे कुछ ऐसा बटन दब जाता है जिससे कि जब हम फाइल को सेव करते हैं, सेव एज करते हैं, न्यू करते हैं या कोई फाइल हमें ओपन करनी होती है तो वो जो डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए वो नहीं होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस फाइल को सेव एज करना चाहता हूँ तो अब मैं सेव एज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए जहाँ मैं फाइल का पाथ दूंगा, उसका नाम दूंगा और उसको सेव करूंगा, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसको दूर करने के लिए एक कमांड होती है, आप नोट कर सकते हैं, FILETIA, फाइल डाया। आप इस कमांड को टाइप करके एंटर करें। एंटर करने के बाद एंटर न्यू वैल्यू फॉर फाइल डाया। यहाँ पे आपको अभी 0 दिखाएगा, आपको इसमें 1 प्रेस करके एंटर कर देना। तो चलिए मैं इसको आपको चेक करके बताता हूँ क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या। अभी देखिए मैं अंदर जाकर इसको चेक कर रहा हूँ कि मुझे फाइल को सेव एज करना है। मैंने क्लिक किया, देखिए दोस्तों ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने है। मैं यहाँ पर फाइल का नाम देकर इसको कहीं पे भी पाथ देकर सेव कर सकता हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी जानकारी पूर्ण ऑटोकैड से रिलेटेड या किन्हीं और चीजों से रिलेटेड मैं आपके लिए अगर कुछ वीडियो बनाता हूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।